गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते। जैसा आप जानते हो, कल हमने नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वर्ल्ड और ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी वनस्पतियां दुनिया में अलग अलग जोन में पाई जाती हैं और उनमें कौन कौन सी ग्रासलैंड्स हैं। तो दोस्तों, मेरे पास 5 से 6 डाउट्स आए हुए हैं आप लोगों के। उस डाउट्स में जो डाउट्स क्रिएट हुए हैं उनको क्लियर करना चाहता हूं। जैसा कि हमने सारे ग्रासलैंड सीधे के सीधे पढ़ लिए थे, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया था कि उष्ण कटिबंधीय कौन से हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय कौन से हैं। तो आप इस डाउट्स में थे, कई बार सीधा क्वेश्चन देने की बजाय कि डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं, वेल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो उनके ट्रॉपिकल टेम्परेट सब ट्रॉपिकल इस तरह से एडजस्टमेंट करना क्वेश्चन दे देता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितने भी ग्रासलैंड्स मैंने कल आपको करवाए थे उनमें ट्रॉपिकल और टेम्परेट को हमने अलग कर लिया है। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है और ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो एक एक करके देखिए, सवाना अफ्रीका में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये एलिफेंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, किंग ऑफ सवाना एलिफेंट को कहा जाता है। ये मिडल अफ्रीकन है। लानोच ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, वेनेजुएला में पाए जाते हैं। कंपोज ब्राजील में है, आप कह सकते हो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ब्राजील में दोनों तरह के पाए जाते हैं ग्रासलैंड। सेल्वा अमेजन बेसिन में है, ये कहिए आप ब्राजील में ही है। और कैंगोन, ये नया आया है, कैंगोन फिलीपींस में है। कैंगोन जो ग्रासलैंड है वो फिलीपींस में है। कल हमारे पास ये 4 आए थे, सवाना, लानोच, कंपोज, सेल्वाज, कैंगोन, ये सभी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। टेम्परेट ग्रासलैंड क्या हमें, प्रेरीज यूएसए में है, वीट के लिए बहुत फेमस है ये ग्राउंड, आपको पता है। और स्टेपी यूरोप में है, यूरोप और रसिया भी कह सकते हो आप इसको, यूरोप और रसिया में है ये। और पंपास अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में क्या हुआ देखिए, अर्जेंटीना बहुत नीचे का हिस्सा है दक्षिणी अमेरिका का, वहां के निचले हिस्सों में जो पाए जाते हैं वो पंपास है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, टेम्परेट है ये। वेल्ड साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, टेगा साइबेरिया में है। और कैंटबरी, ये भी नया आया हमारे पास, ये सभी कल आए हुए थे। कैंटबरी जो घास के मैदान है वो न्यूजीलैंड में है। तो इसमें क्या है, प्रेरी, स्टेपी, पंपास, डाउन्स, वेल्स, टेगा, सेंटबरी, ये सभी सारे के सारे टेम्परेट के हैं। टेम्परेट की पहचान क्या है, 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ जो दोनों ओर पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। ट्रॉपिकल में सवाना, लानोज, कंपोज, सेल्वा और कैंगोन है, इनकी लोकेशन लिखी हुई है। इनमें प्रेरी, स्टेपी, पंपास, डाउन्स, बिल्ड, टेगर, सेंटबरी है, ये सब लिखा हुआ है। इनमें आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, कई बार आ जाता है स्टेपी और पंपास, लानोज और कंपोज ऐसे लिख देते हैं, उनके आगे कहेंगे कौन से ट्रॉपिकल है और कौन से टेम्परेट है, तो आपको सही मैचिंग करनी आनी चाहिए। तो ये डाउट्स आए हुए थे कल आपके, मैंने क्लियर कर दिया है। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ये हैं 0 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के, और टेम्परेट ग्रासलैंड ये हैं 30 से 60 वाले। ये लंबी घास के लिए फेमस है, ऊंची घास पाई जाती है, इनमें नीची घास होती है, ये भी इनमें डिफरेंस है। तो कल का लेक्चर का जो डाउट्स था वो ये क्लियर हो गया है। आप और ध्यान से इसको देखिए, यदि फिर भी आपको दिक्कत आती है आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।